हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शंस फॉर क्लास 7। इसमें हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2। इससे पहले मैंने वर्कशीट 1 कराई है और इंट्रोडक्शन भी कराया है। आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, उसमें मैंने लिंक दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वर्कशीट नंबर 2। इसमें आज हम करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एडिशन करना है, हमें नंबर्स दिए गए हैं, अब उन्हें कैसे ऐड करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है 0.5 एंड 0.37। तो हम क्या करेंगे, इन्हें उतार लेंगे। एडिशन में आप कोई भी पहले उतार सकते हैं, लेकिन पहला वाला ही हम लोग पहले उतारेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 0.5। अब देखिए पॉइंट यहाँ है डेसिमल, तो डेसिमल के साथ डेसिमल। अब उसके आगे पीछे क्या है, इसके आगे 0 है, ये फिर है 3 एंड 7। ठीक है, लाइन ड्रॉ करेंगे एंड साइन लगाएंगे एडिशन का और जस्ट ऐड कर देंगे। देखिए ऊपर कुछ नहीं है तो नीचे 7 है तो 7 ही आएगा। 5 + 3 8 है, 8 हो जाएगा और डेसिमल के साथ डेसिमल एंड 0। ठीक है, इस तरह से सिंपल वे में ये एक समझ लिए, फॉर्मूला समझ में आ गया कि ऐसे करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे, डेसिमल को डेसिमल के साथ ही मिलाएंगे और उसके आगे पीछे जो होगा वो लिख देंगे। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अब है सेकंड वन, तो इसमें क्या है 0.02, सेकंड है 0.008, ओके, फिर है 0.309, ओके। लाइन ड्रॉ करेंगे हम, एडिशन का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसे ऐड करेंगे। चलिए 8 9 हुए 17, 7 का 7 कैरी क्या है 1, ओके 2 एंड 1 3। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 3 है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट है और यहाँ डेसिमल है, तो आंसर आया 337। देखिए आपको लिखना आना चाहिए, बस बहुत सिंपल एडिशन है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए 9.25, फिर है 3.4, यहाँ लिखेंगे 3.4, जहाँ कुछ नहीं, अब चाहे 0 लगाएं और चाहे तो ना भी लगाएं। यहाँ 6.66 एंड 6। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर देंगे, ओके, एडिशन का साइन लगाया। देखिए ऊपर कुछ नहीं है एडिशन में, तो यहाँ पे 6 ही आ जाएगा। 5 6 होते 11 का 1 और कैरी 1 हो गया, तो देखिए 6 4 10 12 और 1 13 हो गया, 13 का 3 हो गया, फिर क्या हुआ, कैरी 1 हो गया। 9 + 1 10 और 13 एंड 6 19 हो गया, तो ये हो गया देखिए 19.316। ठीक है, सिंपल है। इसी तरह से नेक्स्ट करेंगे, देखिए 0.2 0.02 एंड देखिए 2.0002। ठीक है, अब इसको ऐसे ही ऐड करेंगे, कोई बिना जीरो को ऐड कहीं करे हुए, देखिए बहुत ही सिंपल हो जाता है। और देखिए यहाँ पे 2 है, 2 लिख लिया, 0 है, 0 लिख लिया, यहाँ 2 है, 2 लिख लिया, यहाँ आया 2 लिख लिया, डेसिमल है, डेसिमल लिख लिया, 2 है, 2 लिख लिया, तो अगर 2 2 2 0 2 इसका आंसर। देखा, बस आप लिखेंगे सही से तो आपका एडिशन भी सही से हो जाएगा। अब आता है हमारा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर से, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है 5.4 फ्रॉम 9.8, सब्ट्रैक्ट करना है लिखा हुआ है। तो जहाँ पे लिखा होता है दिस फ्रॉम दिस, फ्रॉम के बाद जो भी नंबर होता है उसको हमेशा पहले लिखते हैं। ठीक है, जैसे 9.8 है तो हमने लिखा 9.8 और फर्स्ट नंबर क्या है 5.4, डेसिमल का हम लोग ने ध्यान रखा है, फिर क्या करेंगे माइनस का साइन लगा देंगे। अब 8 में से 4 माइनस होंगे तो आ जाएंगे 4 और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएंगे 4 और डेसिमल की जगह डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका सिंपल सा हो जाएगा। अब दिस फ्रॉम दिस, और मान लीजिए कभी फ्रॉम की जगह एंड लिख जाए, सब्ट्रैक्ट हो
और दिस एंड दिस, तो इसमें से जो भी बड़ा होगा आप उसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन जब फ्रॉम लिखा हो तो उसी में से करेंगे। यहाँ पे है 8.43, यहाँ है 0.07, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करा, देखिए 3 कैरी 1 लिया, देखिए ये हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 13, ठीक है। 13 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 6, देखिए नीचे 0 है तो 3 है, जो भी नंबर होगा वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। डेसिमल के साथ डेसिमल और आ गया 8, यहाँ पे 8.36 इसका आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 3.92 फ्रॉम 26.86। फ्रॉम है तो फ्रॉम कहाँ से लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ से 26.86, ठीक है। या लिखेंगे 3.92, सब्ट्रैक करेंगे, ठीक है, सिंपल है। देखिए 6 में से 2 जाएंगे बचेंगे 4, 8 में से 9 नहीं जाएंगे तो यहाँ से कैरी करेंगे, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 18, ठीक है। 18 में से 9 जाएंगे बचेंगे 9, ठीक है। अब 7 में से 3 जाएगा, सॉरी 7 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, एक कम होगा ज़्यादा थोड़ी होगा, 5 में से 6 3 जाएंगे बचेंगे 2, और 2 में नीचे कुछ नहीं तो 2 आ जाएगा, 22.94 हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट नंबर है फ्रॉम दिस, दिस फ्रॉम दिस, तो फ्रॉम वाला पहले लिख लेंगे, 3.7 and 1, ये क्या है 0.845, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 होगा, फिर तो 0 इससे कैरी करेगा तो ये बन जाएगा 10, ठीक है, ये ना रह गया, और ये बन जाएगा 0 अगेन, तो 10 में से 5 देंगे बचेंगे 5, अभी 0 इससे कैरी करेगा ये बन जाएगा 6, ठीक है, ये बन जाएगा 10, अब 10 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 6, अब देखिए 6 है, 6 में से 8 नहीं जाएंगे, अब ये इससे कैरी करेगा बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 16, 16 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 8, ठीक है। अब यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि नीचे 0 है, तो 2.865 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम करेंगे सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई बहुत सिंपल है। अब पूछेंगे कैसे सिंपल है, देखिए कहीं यहाँ पे 36 - 18.59 - 3 - 2 3.2 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा इस नंबर के साथ और इस नंबर के साथ भी माइनस का साइन लगाया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को ही ऐड कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे रफ वर्क में। तो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे हो गया हमारा रफ वर्क। तो क्योंकि सेम साइन है, मान लीजिए मैंगोज है और ये बनाना है जिसमें पॉजिटिव है, तो मैंगो मैंगो के साथ ऐड हो गया, ठीक, इस तरह से करेंगे तो माइनस माइनस एक हो जाएंगे, तो ये कंप्लीट माइनस हो जाएगा ना, माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है अभी क्योंकि साइन आखिर में माइनस ही आना है। 18 - 59.59 और 3.2 इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 7, 8, 3, 11, 1, तो 21.79 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 36 लिखेंगे, ठीक है, और माइनस का क्या लिखेंगे जो ऐड करा है, 21 - 79, ठीक है। अब देखिए 21 छोटा होता है डेसिमल से पहले, 36 बड़ा है, तो 36 में से अब ये माइनस करेंगे 21, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख लें 36 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, 21.79 सिंपल है। अब माइनस करेंगे, अब इसको आप भूल जाइए, देखिए ये 0 है इससे कैरी करेगा कुछ नहीं, ये इससे कैरी करेगा तो ये बन जाएगा 5, ये 10 होगा लेकिन 10 से पहले इससे कैरी कर ले, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 10, ठीक है। 10 में से 9 जाएंगे 1, 9 में से 5 जाएंगे बचेंगे 9 में से 7 जाएंगे बचेंगे 2, ओके 5 में से 1 जाएंगे बचेंगे 4, 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1421, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 1421 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए सिंपल है, बस हमें समझना है कि किसको किससे ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का. देखिए 32 - 8 - 13 - 10.725 + 3.517. तो हम क्या करेंगे, ये निगेटिव के साइन वाले इनको साथ में ले लेंगे, ये पॉजिटिव के साइन वाले इनको आपस में ऐड करेंगे. तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ही ऐड होगा ना, तो सबसे पहले हम इसको ऐड कर लेंगे. ठीक है, तो हम रफ वर्क में दिखाते थे कैसे ऐड करते हैं. 32.8 3.517, ठीक है, 7 1 8 5, 13 का 3 carry 1 6 and 3, तो 36.317. तो हम लिखेंगे 36.317 आ गया. ठीक है, अब माइनस क्या है, माइनस 13 है और माइनस 10.725 है. ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे आपस में, क्योंकि दोनों के साइन निगेटिव में है. तो ये भी हम करके दिखा देते हैं. देखिए 13 ऐड करना बहुत सिंपल हो जाएगा, 26 10 प्लस 13 हो जाएगा, बाकी ऐसे ही आएगा. तो ये 13 लिखा, पॉइंट समथिंग 00 लिख दीजिए आप, 10.725. देखिए इधर कुछ नहीं है तो 527 आ जाएगा, ये जगह 3, ये जगह 23.725 इसका आंसर आएगा. सिंपल है ये, 36.317 माइनस क्या आया, 23.725. ठीक है, हो गया. देखिए ये बड़ा है और ये छोटा है, वैसे भी पॉजिटिव में आंसर आएगा और लेकिन 36.317 से माइनस होगा. तो हम यहाँ पे कर लेंगे, 36.317 से माइनस होगा 23 - 725. ठीक है, ये होगा. अब आंसर देखिए क्या आता है, देखिए अब माइनस भी करना है, 7 में से 5 बचेंगे 2. अब क्या करेगा, ये कैरी लेगा इससे, ये हो जाएगा 11, ये बन जाएगा 2. तो 11 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 9. ठीक है, ये 2 है कैरी करेगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12 में से 7 जाएंगे, बचेंगे 5. तो यहाँ पे 0.592 आ गया. अब ये 5 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 2, 3 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 1. तो 12.592. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 12.592. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 है. 0.1835 + 163.2005 - 25.9 - 100. ठीक है, बहुत सिंपल है, जैसे पहले किया था वैसे भी कर लेंगे. क्या करेंगे, अभी जैसे हम लोग ने सीखा, एडिशन के को एडिशन के साथ ऐड कर देंगे और निगेटिव जो है सब्ट्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन के साथ ऐड कर देंगे. ठीक है, ये इनका कॉम्बो हो जाएगा इनका. तो पहले एक कॉम्बो बना लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वाले को ऐड कर लेते हैं, चाहे आप रफ में कर लें चाहे पेपर पे कर लें. चलिए मैं करके दिखाती हूँ. यहाँ पे 0.1835 और ये पॉइंट है, फिर यहाँ 3 है, फिर 6 है, ये 1 है. बहुत सिंपल हो जाएगा ये. देखिए 5 5 10 0 carry 1 4 8 3, देखें 3 1 163.3840. ठीक है, और पॉइंट के बाद बहुत सारे ज़ीरो लगाते हैं, उसका कोई मैटर नहीं करता, ज़ीरो लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन अभी है तो लगा लेते हैं. ठीक है, यहाँ लिखेंगे 163.3840. अब दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, तो अभी ये लिख लेंगे 25 - 9 - 100. अब हम इसको जोड़ देंगे, 163.384. ठीक है, अब ज़ीरो नहीं लगाएंगे, पॉइंट के बाद चाहे जितने ज़ीरो लगो उसकी कोई वैल्यू तो होती नहीं है. ठीक है, अब 100 है, देखिए सिंपल है, 100 है, 25.9 है. ठीक है, क्या है, 0.9125, तो क्या 125.9. ठीक है, पॉइंट लगा के ज़ीरो बढ़ाएंगे तभी वही आएगा ना, तो हम लिखेंगे 125.9. ठीक है, अब ये माइनस हो जाएगा इसमें से. ठीक है, अब माइनस भी कर लेते हैं, लिखेंगे 163.384. ठीक है, 125.9 and 0 and 0. ठीक है, देखिए माइनस कर रहे हैं तो नीचे ज़ीरो है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 13 में 3 में से नहीं जाएगा तो ये 2 बन जाएगा, ये हो जाएगा 13. 13 में से 9 जाएंगे, बचेंगे 4. ठीक है, यहाँ पे आ गया. अब ये 2 है कैरी करेंगे, ये क्या बन जाएगा, 5, ये बन जाएगा 12. 12 में से 5 जाएंगे, बचेंगे 7. ठीक है, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3.
ओके, और 1 में से 1 0, तो 37.484, तो ये आंसर आएगा। देखिए आंसर क्या है, ये 37.484, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल हो गया। देखिए आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या है, 38.00 माइनस 30, ये 38 भी मान सकते हैं, लेकिन अगर आपको दे रखा है वैसे लिखेंगे, प्लस 200.200 माइनस 0.230। सिंपल है, क्या करना है, एडिशन को एडिशन वाले के साथ सबसे पहले ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐड होगा तो 238.200 आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, लेकिन करके दिखा देते हैं। देखिए 200.200 38.00, तो क्या आएगा, 002832, तो 238.200। देखिए आप एक साथ भी कर सकते हैं, अब माइनस वाले को माइनस वाले के साथ भी ऐड कर दें, तो 30 है और 0.230, तो क्या आएगा, आप ज़ीरो लगा भी दें तो 03203 आएगा, 30.230। ठीक है, अब क्या करना, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल है, अभी कर देते हैं। 238.200 30.230, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखिए क्या आता है, 0 में से 0 कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 10, 10 में से 3 जंग बचेंगे 7, ये है 1, इससे कैरी कर, ये हो जाएगा 7 11 11, तो 11 में से 2 जाएंगे बचेंगे 9। ठीक है, 7 बचेगा, ठीक है, यहाँ 3 में से 3 जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 20797, 0 को लिख भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 207.97, ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया, आप एक साथ भी कर सकते हैं, ये इसको ऐड को ऐड और सब्ट्रैक्ट को भी ऐड कर देंगे। ओके, अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चंस। क्वेश्चन है 4, व्हाट शुड बी एडेड टू 39.587 टू गिव दिस। देखिए क्या जोड़ा जाए इसमें कि ये मिल जाए, तो देखिए समझ लेते हैं पहले। देखिए इसमें, इस नंबर में क्या जोड़ा जाए कि हमें ये नंबर मिल जाए 80 वाला। ठीक है, तो देखिए इन दोनों के जोड़ने पे ये मिला, अगर हमें ये पता करना, अगर हम इसको इससे माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो निकल के आएगा वो यही वाला नंबर तो होगा, तो हम क्या करेंगे, जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे, देखिए 80 बिगर नंबर है, तो हम लिखेंगे 80.375। ठीक है, नीचे क्या है, 39.587, ओके, ये हो गया, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो कैरी करेंगे, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 15, तो 15 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 8, ओके। अब देखिए 6 है, इसे कैरी करेंगे, ये बन जाएगा 2, ये हो जाएगा 16, तो 16 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 8। अभी 2 है, इससे कैरी नहीं कर पाएगा तो इससे कहेगा कैरी कर लो, तो ये इससे कैरी कर, ये बन जाएगा 7, ये बनेगा 10, लेकिन ये इससे कैरी करेगा तो बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 12, तो 12 में से अब 5 जाएंगे तो बचेंगे 7, डेसिमल के साथ डेसिमल आ गया, 9 में से 9 जाएंगे बचेंगे 0, 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4, तो 40.788 क्या ऐड करा जाए, व्हाट शुड बी एडेड, तो लिखेंगे आंसर में 40.788 should be added okay, इतना हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, what should be subtracted from 100 to give this, 100 में से ऐसे क्या सब्ट्रैक्ट करा जाए कि ये आंसर आ जाए। देखिए बहुत सिंपल, इसी तरह से क्वेश्चन है। देखिए अब 100 है, 100 में से हमने कुछ सब्ट्रैक्ट करा तो जो आ गया 19.29। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर ये 100 है, जो भी आएगा समथिंग आ गया, मान लीजिए x y z आ गया,
तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा अगर 100 में से यही एक्स वाई जेड माइनस करेंगे तो तभी तो 19.29 आएगा। अगर हम 100 में से 19.29 माइनस कर दे एक्स वाई जेड मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें एक्स वाई जेड जानना था, तो वो 100 में से जो भी माइनस करेंगे तभी हमें पता चलेगा वो आएगा, क्योंकि इन दोनों के जोड़ने पर ही वो 100 इक्वल टू में आया, ठीक है। तो इसमें भी सब्ट्रैक्शन होता है, क्या सब्ट्रैक्ट करा जाएगा 100 में से, तो हम लिख देंगे 100 और क्या है 19 माइनस 29, पॉइंट लगाएंगे दो जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए सब जीरो जीरो जीरो। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे इससे कहेंगे इससे लो, इससे कहेंगे इससे लो, ये इससे ले लेगा, जब ये इनसे लेंगे तो ये बन जाएंगे 10, लेकिन ये इनसे ले लेंगे ये बन जाएंगे 9, अब ये इनसे मांगेंगे तो ये बन जाएंगे 9, ये बने 10, इन्होंने मांगे इनसे ये बन गया 9 और ये बन गया लास्ट वाला 10, ठीक है। जब जीरोज होते हैं सब 9 हो जाते हैं, लास्ट वाला 10 हो जाता है। अब 10 में से 9 गए तो बचेंगे 1, 9 में से 2 जाएंगे बचेंगे 7, 9 में से 9 जाएंगे बचेंगे 0 एंड 9 में से 1 जाएंगे बचेगा 8, ओके। क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए 100 में से, 100 में से 80.71 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा 19.29, क्योंकि इन दोनों के एडिशन से ही ऐड करने पर हमें 100 मिलता है, ठीक है। तो और शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो आंसर लिखेंगे 80.71 शुड बी सब्ट्रैक्ट। ओके, इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द एक्सेस ऑफ 584.29 ओवर 213.95। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इट इज द एक्सेस ऑफ, इसमें ओवर, ये ओवर दिस, इसमें और क्या मिलाया जाए कि ये बन जाए, दैट मींस बस इतना ही। तो अगर हमें पता करना है इसमें क्या जोड़ा कि ये उसके इतना क्या मिला कि इसके बराबर हो जाए, कि इतने इक्वल हो गया एक्सेस ऑफ दिस, तो इतना ज़्यादा हो गया एक्सेस मीन्स, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल है, जैसे हमेशा से करते आ रहे हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी सी यहाँ पे चेंज हो गई है, तो इसीलिए मैंने ये समझ लिया कि अगर ऐसा भी आएगा तो एक्सेस जो एक्सेस ऑफ ओवर इसके ओवर दिस हो जाए, तो 213.95, ठीक है। अब क्या करना, जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल है, 9 में से 5 जाएंगे बचेंगे 4, 2 है जस्ट कैरी करेगा बनेगा 3, ये बन जाएगा 12, ठीक है। तो 12 में से 9 जाएंगे बचेंगे 3, डेसिमल के साथ डेसिमल, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो 37.0.34, तो ये हमारा आंसर है। व्हाट इज द एक्सेस ऑफ ओवर दिस, सो 23 आंसर में लिखेंगे 370.34 इज द एक्सेस ऑफ, पूरा लिख दें 584.29, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।